नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिंदा और मेरे चैनल एम बी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बचपन में हम लोग सुनते थे कि जो हमारे बड़े हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छी बातें करो, दिमाग में सब कुछ अच्छा अच्छा डालो ताकि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सको। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में देख लेते हैं और फिर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी पंजाब से है। एक व्यक्ति अपनी प्रेग्नेंट बीवी का कत्ल करता है, अपनी प्रेमिका का कत्ल करता है। हार्डली कुछ ही दिनों के अंतराल पे। दोस्तों, पूरी कहानी आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में, जो जहन में उसके बुरी चीज़ें, कहना चाहिए कि प्रवेश कर जाते हैं, उसकी पूरी लाइफ को बदल देती है। ये कहानी इसी ओर इशारा करती है। साजिश करने वाले इस बहुत ही शैतान बंदे की कहानी 22 अक्टूबर 2021 की है और इस व्यक्ति का नाम है नवनिंदर पाल सिंह। उम्र है उसकी 40 साल के करीब और जो उस पे उसकी फाइल में जो जुर्म उसके नाम पे चढ़ा हुआ है वो है बीवी और मंगेतर की हत्या। और दिलचस्प ये है कि दोनों की हत्या का तरीका भी एक जैसा है, लेकिन कोई सुराग भी नहीं है। एक कांड वो 19 और 20 सितंबर 2021 को करता है और दूसरा जो कांड है वो उसकी मंगेतर के साथ होता है, वो अक्टूबर अक्टूबर 13 की रात को करता है। तो सितंबर और अक्टूबर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इतने से अंतराल में वो दो औरतों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है। दरअसल नवनिंदर प्रीतपाल सिंह ने पुलिस रिमांड के दौरान ये कबूल किया कि उसने अपनी मंगेतर का कत्ल किया है। उसने कहा कि अपनी मंगेतर छपिंदर पाल कौर से उसने सगाई भी कर ली थी और अपने रिश्तों से परेशान होकर के उसने अपनी पहली बीवी सुखदीप और फिर मंगेतर छपिंदर पाल कौर की हत्या की उसने प्लानिंग की। अब देखिए ये व्यक्ति कितना, किस माइंडसेट का होगा। मतलब उसकी शादी भी हुई हुई थी, उसकी प्रेमिका भी है, तो किसके साथ जिंदगी गुजारेगा? अगर बीवी को ही साफ करना था तो प्रेमिका रख लेता, और प्रेमिका की जरूरत ही क्या थी जब तुम्हारी बीवी थी। अपने रिश्तों से परेशान होकर के उसने पहले अपनी पहले वाली बीवी सुखदीप और फिर मंगेतर छपिंदर पाल कौर की रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। अब वो कई हॉलीवुड फिल्में देखता था और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर हत्या करने के तरीकों के बारे में वो इंटरनेट पे बाकायदा जानकारी इकट्ठी कर रहा था। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इंटरनेट को एक्सप्लोर ना करें, अपनी जानकारी में इजाफा ना करें, लेकिन ऐसी जानकारी का भी आप इजाफा ना करें जो आपके दिमाग में एक फितूर भर दे। इंटरनेट पे ज्ञान का पूरा भंडार है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी को बिगाड़ने के लिए प्रयोग करेंगे तो आप यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। खैर, ये मामला पंजाब के पटियाला का है और नवनिंदर प्रीत पाल सिंह, बड़ा लंबा नाम है इनका, नवनिंदर प्रीत पाल सिंह। इन्होंने अपनी मंगेतर की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की और इसकी जानकारी तब हुई जब बठिंडा की छपिंदर पाल कौर, जिसकी उम्र 28 साल है, उसकी हत्या की जांच हो रही थी। दरअसल आरोपी ने 11 अक्टूबर को अपनी मंगेतर को शॉपिंग के लिए पटियाला बुलाया था।
11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीड़िता ने अपने परिवार से फोन पर बात भी की थी और इसके बाद घर वालों ने सपिंदर पाल कौर को कॉल किया तो उसके होने वाले पति नवनिंदर प्रीत पाल ने फोन उठाया। उसने कहा कि 14 अक्टूबर को शॉपिंग के दौरान दोनों में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद उसकी जो फैंसी है घर से चले गई रूट करके, अपना मोबाइल भी ले जाना भूल गई, इसीलिए शायद वो आपसे संपर्क नहीं कर पा रही है। और पीड़िता के पिता सुखचैन सिंह कहते हैं कि 13 अक्टूबर को उनकी आखिरी बात बेटी से बात हुई थी, उसके बाद फोन पर बेटी के होने वाले पति से ही बात हुई, लेकिन उसके जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो 15 अक्टूबर को पटियाला आए। सुखचैन सिंह ने बताया कि नवनिंदर प्रीत पाल और छपिंदर पाल कौर की सगाई 2020 में हो गई थी, लेकिन वो बार बार शादी को टाल रहा था। आखिर में अब 20 अक्टूबर की शादी की तारीख तय हो गई थी, लेकिन मौके पर ही उस डेट पर भी शादी को उसने कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। इस बात से छपिंदर पाल कौर बहुत परेशान थी, बहुत आहत थी। उसी को समझाने के लिए आरोपी ने उसे शॉपिंग के बहाने पटियाला बुलाया था। पटियाला बहुत खूबसूरत शहर है और पंजाब के आसपास के लोग शॉपिंग के लिए पटियाला जाते हैं, और इस व्यक्ति ने भी अपनी प्रेमिका को पटियाला बुलाया। और 15 अक्टूबर को जब बेटी नहीं मिली तो सुखचैन सिंह को नवनिंदर प्रीत पाल पर कुछ शक होता है। उसने पिता ने अपने होने वाले दामाद के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। अब जो शुरुआती जांच होती है उसके अकॉर्डिंग पुलिस को जो मेन इस कहानी का किरदार है, जो अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाता है, उसने झूठी कहानी से गुमराह किया। उसने पुलिस को कहा कि पीड़िता उसे शॉपिंग करने के लिए साथ चलने के मामूली झगड़ा करके घर से कहीं चली जाती है, उन्हें शॉपिंग करने जाना था लेकिन छोटी सी बात को लेकर उनकी कहा सुनी होती है और वो चली जाती है, मोबाइल भी उसके पास छोड़ जाती है। पुलिस को भी उसकी बातों में गड़बड़ी नज़र आ रही थी, लिहाजा पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। इस दौरान सामने आया कि वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा ये भी पता चला कि एक महीने के भीतर ही उसकी पत्नी की भी बहुत ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी, लेकिन उसने इस बात को सबसे छिपाया। यहाँ तक कि उनसे शादी करने वाला था उसके परिवार से भी ये बात छिपाई, और इससे पुलिस को और भी ज़्यादा शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने मंगेतर की हत्या कर शव को छिपाने का मामला दर्ज कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 अक्टूबर 2021 को उसे अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने पुलिस को नवनिंदर प्रीत पाल सिंह का 6 दिन का रिमांड दिया, जिसमें आरोपी ने दिल को हिला देने वाले खुलासे किए। उसने जो खुलासे किए बेहद चौंकाने वाले थे। उसने कहा कि मंगेतर जो है उसकी छपिंदर पाल कौर नाइट्रोजन गैस के जरिए पहले हत्या की, उसके बाद उसके शव को अपने ही घर के फर्श के नीचे खोद करके छिपा दिया। इस वारदात को उसने 13 अक्टूबर की रात को ही अंजाम दे दिया था, और पुलिस को यह भी बताया कि वो हत्या को ऐसे अंजाम देना चाहता था जिससे किसी को शक ना हो। वो ये भी नहीं चाहता था कि उसे मारपीट करनी पड़े या उसका गला वाला दबाना पड़े, कोई ज्यादती करनी पड़े या मतलब चाकू जैसी किसी चीज़ का उसे प्रयोग करना पड़े या मतलब रिवॉल्वर का प्रयोग करना पड़े। आखिर में ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे वो हत्या भी कर दे और कोई सबूत भी ना मिले। तो इसके लिए उसने बहुत पहले से ही हॉलीवुड की और साउथ की कई फिल्में, सस्पेंस वाली फिल्में देखी। इन फिल्मों में उसे ये बात पता चली कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुखा दी जाए तो जाहिर है शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मौत बड़ी नेचुरल सी हो जाती है। फिर क्या था, इस शख्स ने भी वही किया, लेकिन सवाल ये था कि वो अपनी मंगेतर को क्या कह करके ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघाए।
लिहाजा इसके लिए उसने एक नई तरकीब निकाल ली। उसने अपनी मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चेहरे पे चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी चाहिए, बहुत अच्छी लगोगी। कोई भी फेशियल तुम्हें उतनी चमक नहीं देगा जितना कि ऑक्सीजन गैस आपको जो है, नाइट्रोजन गैस जो है आपको चेहरे पे ग्लो दे सकती है। ऐसा करने से चेहरे का ग्लो आ जाएगा। और कई सारे उसने उसको बातें कर कर गैस लेने के लिए उसने मंगेतर को तैयार कर लिया। इसके बाद बड़ी चालाकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा के ले आया। उसको कहा तो था कि ऑक्सीजन लेगी वो और उसका फेस ग्लो करेगा, लेकिन उसमें उसने नाइट्रोजन गैस को भरवा लिया। मंगेतर ने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर का मास्क लगा लिया और कुछ ही देर के बाद उसका दम टूट जाता है। अब आप देखिए, उसने अपना जुर्म छिपाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मंगेतर के शव को छुपाने के लिए भी जो है उसने एक ऐसा ताना बाना बुना जो केवल आपको फिल्मी पर्दे पे ही दिखाई दे सकता है। छविंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी बॉडी को अपनी अर्बन इस्टेट फेस मान की कोठी के बेडरूम में उसने दफना दिया। और देर रात गड्ढा खोदने के लिए बाकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर टूट टूट करके टूट के उसकी आंखों में न गिर जाए इसके लिए उसने चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त शोर ना हो इसके लिए उसने टीवी की आवाज़ तेज कर दी। कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने बॉडी को ठिकाने लगा दिया और इसके बाद गड्ढा पूरा जो है भर करके लेवल करके ऊपर से प्लास्टर कर दिया। मैट बिछा करके बेड लगा दिया ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। बाद में ये भी पता चला कि इसी बंदे ने 12 फरवरी 2018 को गांव बिशनपुर तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ शादी की थी। तो शादी के कुछ साल बाद ही सुखदीप को भी मारने में जुट गया था और ये उसको सफलता मिली 19 सितंबर 2021 की देर रात में। ठीक इसी तरीके से उसने नाइट्रोजन गैस सुंगा करके उसको भी अपने रास्ते से हटाया। ये जो व्यक्ति है, क्या कहा जाए इसकी बेशर्मी को। इसने पुलिस को बताया कि उस समय सुखदीप यानी कि उसकी पत्नी, ब्याहता पत्नी, प्रेग्नेंट थी। पर ऐसे में उसको उसने रास्ते से हटाने के लिए ये बहाना बनाया कि अगर वो ऑक्सीजन लेगी तो बच्चे का विकास बेटर होगा। और उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में भरवा दी और पत्नी को अपने रास्ते से हटा दिया। वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवार वालों को बताया कि हार्ट अटैक आने के बाद उसकी मौत हो गई। चूँकि सुखदीप के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही खून, ना कोई उस पर निशान, उन्होंने हार्ट अटैक मान लिया और शांत होकर के बैठ गए। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लाश को आरोपी ने बेडरूम में 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। आप कंफ्यूज ना हो, जो उसकी ब्याहता पत्नी थी उसको तो उसके माता पिता के हवाले कर दिया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि इसे हार्ट अटैक हुआ। अब जो उसकी प्रेमिका है उसको बेडरूम में 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उस बॉडी को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में पुलिस ने मौके पे सीन को रिक्रिएट किया और पुलिस की टीम आरोपी को 22 अक्टूबर की सुबह 7 बजे उसके घर पहुंचती है। उसके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत सिंह को उसके साथ घटनास्थल पर बिठाया। घटना के समय आरोपी के माता पिता कहाँ गए हुए थे इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि अपने घर में इतना बड़ा कांड किया, माता पिता उस समय कहाँ थे ये बात अभी तक पुलिस को नहीं पता चली है। लेकिन देखिए, पत्नी को भी यही कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, पेट में जो बच्चा पल रहा है लिहाजा वो ऑक्सीजन गैस ज़रूर ले और उसमें सिलेंडर में भर दी नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से उसने प्रेमिका को फंसाया कि फेस पे ग्लो आ जाएगा, तुम ये ऑक्सीजन गैस ज़रूर इसको लेने की कोशिश करो, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें। और उस सिलेंडर में थी नाइट्रोजन गैस और कितनी आसानी से उसने इन दो महिलाओं को अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इस
व्यक्ति के लिए, पटियाला का ये जो व्यक्ति है जो इतने अच्छे परिवार को बिलोंग करता है, आप इसके लिए क्या कहेंगे? क्या आपके पास शब्द है इसके लिए जो इसने अपनी पत्नी के साथ किया, जो इसने अपनी प्रेमिका के साथ किया? आपके पास कोई शब्द है? मुझे लगता है कि आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं वो मुझे आप अपने कमेंट के ज़रिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नवनिंदर प्रीतपाल सिंह को आप क्या कहेंगे और क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मुझे आपकी राय की अपने कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। एक बात और, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, इसको शेयर करने में, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता। मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये समझ पाऊँगी कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, जो मैं आपके साथ कहानियाँ शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आ रही है। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।